कहते हैं जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान की बातें राजनीतिक विज्ञान पर लागू नहीं होती, क्योंकि सियासत में जाति सरनेम नहीं सत्ता की सीढ़ी होती है, जिसे सुविधा अनुसार बताया और छिपाया जाता है। जाति की इसी राजनीति पर संसद में संग्राम मचा हुआ है, और चुनाव से पहले जो विपक्ष खुलकर जाति पूछता था, अब उसी विपक्ष को जाति पर एतराज है। तो मानसून सत्र के बीच हिंदुस्तान के सियासी चिराग से फिर जाति का जन्म बाहर आ गया। इस बार चिराग पर हाथ फेरा है जातिगत जनगणना के मुद्दे। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जाति जनगणना का मुद्दा था, मगर इस दो शब्द से दो मुद्दे निकलकर सामने आ गए। पहली जाति, दूसरा जनगणना। और हैरत ये कि पहले ने दूसरे को मात दे दी। अब जनगणना की बात नहीं हो रही, बहस छिड़ी है जाति पर। विरोधी पूछ रहे हैं कि जाति कैसे पूछ ली? आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताइए बस। कल से आज तक सदन से लेकर सोशल मीडिया तक जाति के मुद्दे पर सियासी बवाल जारी। 2024 के नतीजों से उत्साहित विपक्ष इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश में जुटा, तो बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही। दरअसल जाति पर संग्राम में विपक्ष के मुख्य चेहरा है राहुल और अखिलेश। जाति कैसे पूछ ली के सवाल पर अब बीजेपी दोनों के पुराने बयानों को दिखा रही है, जहां दोनों जमकर जाति पूछ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश के ये पुराने बयान सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। खुद अनुराग ठाकुर ने अखिलेश के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आज जब अखिलेश यादव से संसद के बाहर इन बयानों पर सवाल पूछा गया, तो खुद को जातीय भेदभाव पीड़ित बताने लगे। साफ कि सड़क से लेकर सदन तक जाति को लेकर आरोप प्रत्यारोप और सियासत जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, क्योंकि ये बस जाति का सवाल नहीं, बल्कि सियासत का सबसे पुराना फॉर्मूला है, जिसके सहारे हर राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। रिपोर्ट जी मीडिया।